सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिलों की 75 बड़ी खबरें। अलीगढ़ में 2 अक्टूबर को होगा महाराजा अग्रसेन जयंती का भव्य महोत्सव। पत्रिका विमोचन और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक ने छात्रा को कुचला। हादसे में छात्रा की मौत। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में खेत बने तालाब। खेतों में खड़ी धान की फसलें डूबी। कई खेतों में 100% डूबी धान की फसल। अलीगढ़ में 4 दिन से पड़ रही मूसलाधार बारिश से सड़कें लबालब। घरों में घुसा पानी। जंजाल मकानों में आई दीवार। बुलंदशहर में हल्की बरसात नहीं झेल पाया नाला। गुणवत्ता की खुली पोल। लाखों की लागत से बना नगर पंचायत का नाला ढह गया। अलीगढ़ में गौशाला में गोवंशों की हालत बदतर। गौशाला में मृतक गाय की वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मुख्तार अंसारी को सजा मिलने पर पीयूष राय का बड़ा बयान। बोले सपा बसपा सरकारों ने दिया अपराधियों को संरक्षण। अलीगढ़ में अपहरण मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस अपहरण करने वाली 4 छात्र को किया गिरफ्तार। देवरिया में बसपा नेता ने की आत्महत्या। पत्नी से विवाद के बाद खुद को मार ली गोली। क्षेत्र में फैला सनसनी। गाजियाबाद में महिला से मोबाइल लूटकर भाग रहे बदमाश को लोगों ने दबोचा। भीड़ ने दोनों बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। अलीगढ़ में मकान गिरने से मां बेटे घायल। काफी देर बाद पहुंचा एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में धक्का लगा कर चालू करने का प्रयास। हरदोई में होटल कारोबारी समेत 4 के खिलाफ सूदखोरी और आत्महत्या के लिए मामला दर्ज। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में 7 मदरसों का हुआ सर्वे। नहीं दे पाए आय व्यय का ब्यौरा। 2 मदरसों बिना पंजीकृत सोसाइटी के चलते मिले। सीएम योगी की समान अधिकार की मुहिम रंग ला रही है। यूपी में ट्रांसजेंडरों को मिली पहचान। 63 किन्नरों को मिला पहचान पत्र। मैनपुरी में आकाशीय बिजली गिरने से पति पत्नी झुलसे। जानकारी होने पर उप जिलाधिकारी गोपाल शर्मा ने तुरंत गांव में लेखपाल को भेजा। लखनऊ में यूपी एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में एक को लगी गोली। 3 अन्य को किया गया गिरफ्तार। मैनपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में शातिर इनामी बदमाश गिरफ्तार। अभियुक्त से अवैध हथियार। रायबरेली में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार चालक सहित अन्य लोग घायल। जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। सीतापुर में घुसखोर बाबू को विजिलेंस टीम ने किया गिरफ्तार। केंद्रीय बीज कार्यालय में तैनात फर्टिलाइजर दिलीप सिंह। रायबरेली में चोरों ने घरों को बनाया निशाना। अज्ञात चोरों ने लाखों का माल किया पार।
सीतापुर के कोतवाली प्रभारी के क्षेत्र अधिकारी ने शराब की दुकानों का किया औचक निरीक्षण, नकली शराब की भी जांच की। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, बदमाशों को अस्पताल कराया गया भर्ती। सुल्तानपुर में दीवानी कोर्ट के बाहर पुलिस ने इंस्पेक्टर को पकड़ा, महिला कांस्टेबल ने दर्ज कराया था रेप का केस। गाजियाबाद में अधेड़ की हत्या, हत्या से क्षेत्र में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में करंट की चपेट में आकर गोवंश की मौत, कॉलोनी वासियों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाकर काटा हंगामा। कानपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट, डीएम के आदेश पर 12वीं तक के विद्यालय बंद, गंगा का जलस्तर 1.5 मीटर बढ़ा। बलिया में छात्र नेताओं को जिला कलेक्ट्रेट में हल्ला बोल, छात्र नेता नगर कोतवाल को हटाने की मांग कर रहे हैं। बुलंदशहर में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ झगड़ा, एक पक्षी कानून कार्यवाही करने का लगाया आरोप। चंदौली में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत, मौत की सूचना से परिवार में पसरा मातम। बुलंदशहर में परिवार पर काल बनी बारिश, भरभरा कर जमी दो जुआ मकान, मलबे में दबने से महिला की मौत। चंदौली में पेट्रोल पंप पर चोरी और लॉकर तोड़ने का प्रयास, चोरी की घटना पंप सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। देवरिया में नगर पालिका सफाई कर्मी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, सफाई नायक रवि प्रताप सिंह का है वीडियो। गाजीपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में इनामिया हुआ घायल, एसओजी पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही। हमीरपुर में रेलवे प्रशासन व ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आई, रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरे होने से गांव का टूटा संपर्क। कानपुर में दबंग मां बेटी की दबंगई आई सामने, मां बेटी ने मिलकर महिला को घसीटते हुए मार मार कर बाहर तक ले गई। कुशीनगर में तेंदुए ने दो गांव के लोगों पर बोला हमला, तेंदुओं के हमले से गांव में फैली दहशत, जिन हालत लोगों की गंभीर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा के 12 विधायकों ने की मुलाकात, मुलाकात के बाद सपा ने किया ट्वीट। प्रतापगढ़ में एफआईआर दर्ज न करने पर इंस्पेक्टर को कोर्ट ने भेजा जेल, पॉक्सो कोर्ट के जज पंकज कुमार ने इंस्पेक्टर को भेजा जेल। लखनऊ में सड़क हादसे में वन विभाग के दरोगा की मौत, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मारी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर। शाहवस्ती में जिला बदर अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे, अवैध हथियार के साथ पुलिस ने अपराधी को दबोचा। प्रयागराज में एयू प्रशासन और छात्र नेता आमने सामने, फीस वृद्धि के मामले को भटकाने के लिए तालाबंदी।
मैं राहुल गांधी नहीं हूं, रामदेव हूं। आगरा में रामदेव बोले 2024 में पीएम मोदी ही होंगे, अखिलेश की तारीफ की। मुरादाबाद में पेड़ पर युवक का लटका मिला शव, पांच मां चारा लेने जंगल गई, चार साल पहले इसी पेड़ पर पिता ने किया था सुसाइड। हाथ पैर बांधे गला दबाकर हत्या, 14 साल की नाबालिग बेटी और उसके प्रेमी पर शक, गाजियाबाद में वारदात के बाद दोनों फरार। रात में भी ताजमहल पर बंदरों का कब्जा, पर्यटकों पर हमला कर छीना डंडा, लोगों की मदद से किया रास्ता पार। बिना लाइसेंस चल रहा है मेडिकल स्टोर सील, मुरादाबाद ड्रग अथॉरिटी ने 5 दवाओं के सैंपल भेजा। छापेमारी में 3 करोड़ की अवैध दवाएं मिली, अलीगढ़ में बिना लाइसेंस चल रहा था गोदाम। राजभर बस्ती में ओपी राजभर का आना मना है, मऊ में कार्यकर्ताओं संग बैठक से पहले गांव में लगे पोस्टर। सीएम योगी ने बाढ़ का किया हवाई सर्वेक्षण, गोरखपुर संत कबीर नगर बस्ती अयोध्या गोंडा और बाराबंकी के हालत देखे। बागपत सांसद सत्यपाल सिंह बोले पीएफआई पर बैन लगे, कहा देश का सबसे कट्टर इस्लामिक संगठन है। गोंडा में कर्ज पर ली गई गाड़ी का धोखाधड़ी करके बेचा खरीदार ने, अपर पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। श्रावस्ती में नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक असंतुलित होकर पुल की रेलिंग से टकराया। मुरादाबाद में पकड़ा गया फर्जी खाद्य निरीक्षक, जनरल स्टोर से खाने पीने की चीजें के नमूने लेकर मांगी थी रकम। जनता के साथ मधुर व्यवहार कर पुलिसकर्मी संत कबीर नगर में, एसपी ने परेड का निरीक्षण किया, फिटनेस पर ध्यान देने के निर्देश। सीएम योगी से गनर दिलाने की लगाई गुहार, महिला बोली महाराज जी दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं ससुराल वाले। भर्ती प्रक्रिया में देरी को लेकर जोरदार प्रदर्शन, एएनएम पद के चयनित अभ्यर्थियों ने यूपीएसएससी दफ्तर का किया घेराव। अखिलेश का वॉकआउट और पैदल मार्च, आजम के मुद्दे पर राज्यपाल से सरकार की शिकायत की। ललितपुर में हाईवे पर ट्रक ने 5 गोवंशों को रौंदा, हिंदुवादी संगठनों ने जमकर किया प्रदर्शन, 2 घंटे जाम रहा हाईवे। हरदोई में मूक बधिर बालिका से दुष्कर्म, 7 माह की हुई गर्भवती, शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं थी कोई कार्रवाई। पैसों के लिए गर्भवती और उसके परिवार की पिटाई, फतेहपुर में दबंगों के डर से परिवार ने छोड़ा गांव। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाने में हुई पीस कमेटी की बैठक, सीओ बोले शांतिपूर्ण तरीके से मनाए त्योहार। कानपुर देहात में पेड़ से लटका मिला किसान का शव, परिजनों ने पड़ोसियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का लगाया आरोप।
आगरा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से अग्निवीर भर्ती में आए युवक की मौत, बस की छत पर सोने के लिए चढ़ा था। बिजनौर में एसपी ने चलाया तबादला एक्सप्रेस, 9 दरोगा सहित 25 सिपाहियों को इधर से उधर किया, 6 चौकी इंचार्ज भी शामिल। भदोही में 8 साल के बालक से कुकर्म, घर के बाहर खेल रहा था बच्चा, पड़ोस के 3 किशोरों ने उठाए तीनों आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में सड़क हादसे में सिपाही की मौत, 3 घायल, दिल्ली देहरादून हाईवे पर 4 गाड़ियां आपस में भिड़ने से हुआ हादसा। मोहन भागवत और भड़की मायावती, बोली कुछ मिले मिनट में नमाज पढ़ना सहन नहीं, भागवत खुश को राष्ट्रपिता कहला रहे हैं। झांसी में शादी के 3 माह बाद नवविवाहिता की हत्या, हाथ पर जलने और गले पर निशान मिला। शामली में पुलिस चौकी से फरार दोनों आरोपी गिरफ्तार, पुलिसकर्मी के सोने पर बाहर बैठे मुजामिलों से खुलवाया था ताला। बहराइच में 2 दिन से लापता महिला का तालाब में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। ग्रेटर नोएडा में बारिश से कलेक्ट्रेट परिसर बना तालाब, बारिश जल जमाव और जाम ने बढ़ाई टेंशन। औरैया में पत्नी मायके से नहीं लौटी, पति ने सुसाइड किया, 2 साल पहले ससुराल से मायके गई थी, 2017 में हुई थी लव मैरिज। बाराबंकी में डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण, परेशान युवक बोला हमें सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए या गोली मार दो। अमरोहा में उफान पर गंगा नदी, 25 को अमावस्या, पितरों को पिंडदान करने के लिए भारी मात्रा में उमड़ेंगे श्रद्धालु। लखीमपुर खीरी में महंत पर जानलेवा हमला, मंदिर के पास मछली का शिकार करने से किया था मना। अगले 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।